मैं तो एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावना थी। जब राजकुमारी विवाह योग हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग वर नहीं मिल पा रहा था। अब महाराज ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। महाराज ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद जब राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में गई तो कुटिया की साफ सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में दो रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी बांट के खा लेंगे। सन्यासी का जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने इसलिए मेरा विवाह आपके साथ नहीं किया था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आप भी मेरी तरह बैरागी हैं, आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा रखता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहे तो हमें खाना मिल जाए और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बात सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता है, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे बैराग का सही मतलब समझा दिया। मैं तो इस छोटे से प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए। भगवान हर समय हमारे साथ हैं। हमें भगवान की चिंता रहती है और भगवान को भी आपकी चिंता रहती है। कभी आप बहुत ज़रा परेशान हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो तो आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करके पुकारिए। सच मानिए, थोड़ी देर में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा।